नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। वक्त हो चला है देश प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों का। किसान कृषि योजना डिजिटल सोलर इंडिया युवाओं के लिए लाया है रोजगार का सुनहरा मौका। कंपनी को पूरे यूपी जिले से लेकर न्याय पंचायत में जुझारू और मेहनती युवाओं की जरूरत है, तो देर किस बात की। आपके ख्वाब पूरा होने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारा पता है KD इंटरप्राइजेज, दुर्गापुर बाजार, जिला अमेठी। हमारा मोबाइल नंबर है 7881109261 और 7991579262। यूपी बोर्ड ने प्रवेश पत्र भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि 3 दिन बाद बोर्ड की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र अपलोड होंगे। शिवपाल यादव ने BJP पर निशाना साधा। शिवपाल यादव ने कहा कि बड़बोले मंत्रियों को जनता खुद सबक सिखा देती है। सुल्तानपुर में बंधुआ कला रेलवे स्टेशन के सामने खानकाए चिश्तिया में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का सालाना उर्स मनाया गया। इसमें सैयद मेराज अशरफ ने भी शिरकत की। इस मौके पर न्यूज टाइम नेशन के संवाददाता नफीस खान राजा को उनके बेहतरीन काम के लिए सम्मानित किया गया। सुल्तानपुर में आप नेताओं ने बिजली की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष महमूद खान के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। सुल्तानपुर में आम आदमी पार्टी ने कादीपुर विधानसभा प्रभारी और जयसिंहपुर विधानसभा प्रभारी सहित दोनों की टीम को कारण बताओ नोटिस भेजा। आपको बता दें, ये नोटिस बिजली मूल्यों की बढ़ोतरी पर होने वाले धरना प्रदर्शन में शामिल न होने पर भेजी गई है। सुल्तानपुर में SP ने जनता की समस्याएं सुनी। इस दौरान आई हुई समस्याओं पर जल्द से जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। सुल्तानपुर में शिवपाल यादव का जोरदार स्वागत किया गया। यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय सचिव रजनीश यादव अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ शिवपाल यादव के स्वागत के लिए पहुंचे। अमेठी में UPSEDA जगदीशपुर के पानी के टंकी के ऑपरेटर कमलेश गुप्ता सेनानिवृत्त हो गए। इस मौके पर UPSEDA कर्मियों ने उन्हें माला पहनाकर विदाई दी। अमेठी में थानों और कार्यालयों में तैनात उप निरीक्षक त्रिवेणी प्रसाद पांडे, घनश्याम तिवारी, मुख्य आरक्षी अनिल कुमार सिंह, AFM पारसनाथ यादव, उर्दू अनुवादक हरिश्चंद और अनुचर भगौती दीन विभाग से रिटायर हो गए हैं। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ने उन्हें आगामी जीवन की शुभकामनाएं देते हुए विदाई दी। अयोध्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिजली के दामों में वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन सिविल लाइन के गांधी पार्क में किया गया। अयोध्या में 1 फरवरी को इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन होने जा रहा है। ये कार्यक्रम कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी की अध्यक्षता में किया जाएगा। जौनपुर में चंदवक गांधी पार्क में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये सभी स्वामी प्रसाद मौर्य की रामचरितमानस के खिलाफ की गई टिप्पणी से नाराज हैं। लखीमपुर खीरी में मानसिक परामर्श सत्र का आयोजन हुआ। इसमें SSB के जवानों को मानसिक बीमारियों से बचने के उपाय बताए गए। लखीमपुर खीरी में आप नेता कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने बिजली दरों की वृद्धि का विरोध करते हुए DM को ज्ञापन सौंपा। लखीमपुर खीरी में SP गणेश प्रसाद साहा ने शहर की यातायात व्यवस्था को चेक किया। इस दौरान रेलवे स्टेशन से संकटा देवी चौराहे से मेला मैदान तक SP गए और माथतों को निर्देश भी दिए। आपको ये खबरें कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबरें फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इन खबरों से YouTube के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।